नमस्कार मेरे किसान साथियों तो स्वागत है हमारे अपने चैनल इंडियन एग्रीकल्चर और मॉडर्न फार्मिंग में तो किसान भाइयों आज हम, हम हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमारे कलिंगड है जो वाटर मेलोन है वो पके हुए कैसे होते हैं उसके बारे में मैं अब आज आपको बताने की कोशिश करूंगा हमारे वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा पैंसठ से सत्तर दिन का प्लॉट है तो ये आज हार्वेस्टिंग करने के लिए आज आने वाले हैं इसलिए मैं अगर आप हार्वेस्टिंग के एक दिन पहले या कुछ दो तीन दिन पहले चेक करते हो अपने वाटर मेलन काट के और वो अच्छे से पकते नहीं तो फिर बाद में आपको और हार्वेस्टिंग डिले करनी पड़ती है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जो कलिंगड़ है उनको कैसे पहचान सकते हो कि ये पूरी तरह से पक चुके हैं तो मैं आपको ये जो आवाज़ है वो कैसा आना चाहिए वाटर मेलन का वो मैं आज आपको बताऊंगा तो ये जो कलिंगड़ है ये पूरा भरा जैसा आवाज आना चाहिए ये ऐसा आवाज आना चाहिए तो आप सुन सकते हो दोस्तों में मेरे उंगली से जो वाटर मेलन है उसको मार रहा हूँ तो और एक वाटर मेलन में आपको ये आप देख सकते हो इससे में ऐसा आवाज आना चाहिए तभी हमें समझ में आता है कि जो हमारे वाटर मेलन है वो अच्छे से पके है या नहीं दोस्तों जो हमारा प्लॉट है वो पैंसठ दिन का है तो आप देख सकते हो ये पूरे जो कलिंगड़ है छोटे बड़े ये पूरे पक चुके हैं इसलिए ये पूरे जो कलिंगड़ है उसका सेम आवाज़ आता है तो आप देख सकते हो ये आवाज़ भी सुन सकते हो आप तो दोस्तों आज हम एक कलिंगड़ काट के भी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये जो छोटा वाला कलिंगड़ है ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ इस कलर से भी समझ में आता है पर ये जो कलर है ये फीका रहा तो हमें समझना है कि ये जो कलिंगड़ है ये अच्छे से पका नहीं है और अब ये कलिंगड़ में काट के दिख, दिखाऊँगा ये लगभग एक किलो का कलिंगड़ है तो आप देख सकते हो ये ऐसा पूरा ऐसा आवाज आना चाहिए और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों तो दोस्तों आप ऐसे पहचान कर सकते हो कलिंगड़ की अपने जो किसान भाई है वो हर एक किसान भाई ऐसे जो आवाज़ है उससे पहचान सकता है कि हमारे जो कलिंगड़ है वो पके हुए है या नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कलिंगड़ मैंने खेत में ही काट के दिखाया है अभी बेल से अलग ही नहीं किया है जो कलिंगड़ का पेड़ होता है उससे अलग भी नहीं किया है ऐसे ही हम मैंने आपको काट के दिखाया और एक मैंने काटा है वो आप देख सकते हो दोस्तों तो उसका मैंने शॉट बनाया है तो वो भी आप देख सकते हो ये मैंने पहले काटा था इसका भी पूरा ये कलर अच्छे से आया है दोस्तों तो आप देख सकते हो इसमें जो कलिंगड़ में रस भी बहुत है पानी बहुत होना चाहिए जो ताज़े कलिंग होते हैं उसमें ऐसा पूरा रस भरा होता है ये देख सकते हो ये पूरा पानी पानी ऐसा जो कलिंगड़ है जो हमें ताज़ा कलिंगड़ है उसमें से ऐसा निकालना चाहिए इसमें से पानी नहीं निकला तो समझ लेने का एक कि ये जो कलिंगड़ है ये पक्के बहुत दिन हो चुके हैं इसलिए इसमें से जो पानी है वो सूख चुका है ऐसा हमें समझना है दोस्तों तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल है हमें आगे बढ़ा के लिए धन्यवाद और और भी जो किसान भाई है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और किसानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं तो वो हम आप हमसे ले सकते हो तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद तब तक जय जवान जय किसान